गुजरात के आम आदमी पार्टी प्रभारी गोपाल इटालिया ने नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन के खिलाफ अपशब्द कहे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई भाजपा नेताओं ने इस पर आम आदमी पार्टी को घेरा है। स्मृति ने कहा, हीराबेन का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने मोदी जी को जन्म दिया है। भाजपा सधे हुए अंदाज में पुराने पैटर्न पर ही पलटवार कर रही है। खास बात यह है कि बयानों का फोकस अपशब्द कहने वाले गुजरात प्रभारी गोपाल इटालिया पर नहीं बल्कि केजरीवाल पर है, यानी गुजरात चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की शुरुआत हो चुकी है। इटालिया के अब तक 3 वीडियो सामने आ चुके हैं। पहले वीडियो में गोपाल ने पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहने के अलावा कई विवादित बातें कही थी। दूसरे वीडियो में इटालिया ने मंदिर और कथाओं को शोषण का अड्डा बताते हुए महिलाओं को वहां ना जाने की सलाह दी थी। वहीं 23 सेकंड के तीसरे वीडियो में वह मोदी को नीच और उनकी मां को नौटंकीबाज कह रहे हैं। भाजपा महासचिव सीटी रवि ने कहा, आम आदमी पार्टी का ड्रामा है। यह पार्टी गुजरात में कभी सक्सेस नहीं हो पाएगी। गुजरात की जनता समझदार है, राजनीति चमकाने के लिए ये सब बयानबाजी हो रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, अरविंद केजरीवाल गटर जैसे मुंह वाले गोपाल इटालिया ने आपके आशीर्वाद से पीएम मोदी की मां हीरा बा को गाली दी। मैं कोई नाराजगी नहीं जताती, मैं यह नहीं दिखाना चाहती कि गुजराती कितने नाराज हैं, लेकिन आप यह जान लें कि जनता ने आपको देख लिया है, आपकी पार्टी को गुजरात चुनाव में नष्ट कर दिया जाएगा। वहीं बयान देने पर इटालिया हिरासत में ले गए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इटालिया को उनके बयानों पर नोटिस जारी किया था। गुरुवार को इटालिया इसका जवाब देने पहुंचे। इटालिया ने राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष के ऑफिस में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया। 3 घंटे बाद इन्हें छोड़ दिया गया। बता दें, 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का, जब जब कांग्रेस ने सीधे मोदी पर हमला किया, भाजपा ने उसी हमले को अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया। फिर वह चाहे चाय वाला हो या चौकीदार चोर हो, अब गुजरात में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी ने सीधे मोदी की मां को लेकर ही बयान दे दिया। भाजपा ने एक बार फिर अपनी स्ट्रेटजी पर काम शुरू कर दिया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वह 4 बड़े चुनाव जब मोदी को अपशब्द कहा गया, नतीजा भाजपा के फेवर में गया। पहला है 2007 गुजरात विधानसभा चुनाव। तब मोदी गुजरात के सीएम थे। सोनिया गांधी प्रचार करने गई थी। गोधरा कांड को दोषी बताते हुए मोदी को मौत का सौदागर कहा था, ताकि उन्हें मुस्लिमों के साथ दंगा पीड़ितों का भी समर्थन मिल सके। लेकिन इस बयान का उल्टा ही असर हुआ। मोदी ने सोनिया के बयान को मुद्दा बनाकर प्रचार किया। नतीजा, कांग्रेस चुनाव में 59 सीटों पर सिमट गई, जबकि भाजपा ने 117 सीटें जीतकर गुजरात में दोबारा सरकार बनाई। नंबर 2, 2024 का लोकसभा चुनाव। चुनाव से पहले भी कांग्रेस मोदी पर हमलावर रही। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि ये कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, इसे चाय की दुकान ही खोलनी पड़ेगी। मोदी ने चाय वाला शब्द को अपने कैंपेन में सबसे ऊपर रखा। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए अपने प्रचार के दौरान यही कहा कि कांग्रेस को लग रहा है कि चाय वाला कैसे पीएम बन सकता है, ये गरीबों से नफरत करने वाले हैं। नतीजा, मणिशंकर का बयान भाजपा के लिए लकी साबित हुआ। केंद्र में बीजेपी ने 282 सीटों के साथ सरकार बनाई, कांग्रेस को महज 44 सीटें ही मिल सकी। तीसरा, 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव। गुजरात में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तभी भी पीएम नरेंद्र मोदी को नीच कहा गया था। इस गाली का इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस थी। वरिष्ठ कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर ने पीएम नीच कहा था। भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री की जाति का मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया था। नतीजा, 182 में से 99 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की और कांग्रेस 77 सीटें ही जीत सकी। चौथा, 2019 के लोकसभा चुनाव। चुनाव से पहले राफेल डील में घोटाले करने के आरोप में पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए राहुल गांधी ने रैली में एक नारा दिया था, चौकीदार चोर है। मोदी ने इस नारे को चुनाव में अपना हथियार बना लिया। नारे को मॉडिफाई करके सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, मैं भी चौकीदार। इस कैंपेन को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। नतीजा, 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अकेले 303 सीटें जीतकर बहुमत कायम रखा, कांग्रेस को महज 99 सीटें ही मिल सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।